मम्मी वंद बाय मम्मी वंद अमर बाय बाय वंद अदु बाय वंद बाय हम कर देते चलो भाई चलो हेलो वंद हाय वंद सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सुबह सुबह है, धूप अभी अभी निकल रही है। अंकल के साथ मैं जा रही हूँ अभी। एक्चुअली आज मैं जा रही हूँ रोइंग अपने चाचा चाची लोग को मिलने के लिए, भाई लोग को मिलने के लिए। तो चलिए आपको मैं रोइंग भी घुमाती हूँ। तो यहाँ अंकल एंड भोनी मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे मेरा छोटा भाई आएगा। हम लोग सब साथ में ही जाएंगे। इधर आ गया ये। तो मैं आपको बता दूँ, एक घंटे का डिस्टेंस है एंड सुबह को 7 बजे ये बस जाता है एंड वहाँ से मतलब रोइंग से 1 बजे को वापस रिटर्न आता है। तो बस में उठने के बाद थोड़ी देर में या दो, क्योंकि खा पी के उठा था, सुबह जल्दी उठा था, सो गया मामा के गोदी में एंड मामा बहुत खुश था एंड मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि आराम से जाने को मिल रहा था। तो देखते ही देखते थोड़ी देर बाद में हम लोग रोइंग पहुँच भी गए। ये गेट आपको दिख रहा होगा, वेलकम टू रोइंग लिखा हुआ है। मैंने अच्छे से वीडियो में नहीं कर पाई क्योंकि साइड वाले सीट में बैठी थी एंड अच्छे से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। फिर भी आपको अंदाजा लग जाए कि एक गेट क्रॉस करने वाले हैं, इसके बाद ही रोइंग शुरू हो जाता है। 10 मिनट जाने के बाद हम लोग टाउन में नाम भी जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है मैं यहाँ से बस। तो एक घंटे में हम लोग रोइंग पहुँच गए हैं। इधर अद्दू उसके मामा के साथ जा रहा है। मैंने अपना ये अद्दू वाला बैग बुकाया, कल तो मैं वापस चली जाऊँगी। तो चलिए रोइंग दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ बहुत अभाव। सॉरी, हम लोग टी ब्रेक लेने के लिए आए हैं यहाँ पे। शर्मा स्वीट्स करके मिठाई भी ले लिया है, तो अभी पियेंगे चाय फिर जाएंगे यहाँ से। आज संडे है तो इस तरीके से लोकल बाजार बैठा है। आपको ऑरेंज दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे ऑरेंज मिलते हैं। यहाँ पे वही कपड़ा से लेके सब कुछ मिलने वाला बाजार है, संडे मार्केट। इधर कम्बल वम्बल ब्लैंकेट्स तो ये मेरे चाचू का दुकान है। काका नमस्ते। अरे नमस्ते करने वाला है भाई गोय। अरे अरे चीनो ऐले मेरे जान रास्ते जानो यार जान रहा था। तो अभी हम स्कूटी में जा रहे हैं, चाचा का दुकान से स्कूटी ले लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं घर। ये है दामबू का ऑरेंज। वाह 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 वाह, ऑरेंज ही ऑरेंज, ऑरेंज ही ऑरेंज। आ रहे मजा आ नहीं। हाँ भैया मैंने स्कूटी में घूम तो बच्चा बुझे हाँ मेरे एक चाचा आए हुए हैं ना। चाची से मिल लिया है, चाय वाय पी लिया, चाची खाना बना लिया, दिन का लंच उधर ही है। तो अभी हम लोग अपने भाइयों को मिलने जा रहे हैं। आई थिंक रोइंग में 20 ईयर्स के बाद आई हूँ, शायद काउंट नहीं कर सकती, मुझे याद नहीं, मोर देन 20 ईयर्स के बाद आई हूँ। तो लेकिन मुझे सेम सेम ही लग रहा है, पता नहीं क्यों इतना डिफरेंस नहीं लग रहा है। हाँ राम राम, चांगर में आ गया। तो अभी क्या कर गया गरीब आदमी। तो ये है चांगर अरुणाचल का। पहले इन लोग क्वार्टर में थे, अभी मेरे जीजा जी रिटायर हो गए तो भैया लोग ने चांगर ले लिया। अच्छा लेकिन ट्रेडिशनल ना, कितना अच्छा है। मजा मजा है। तो लोकल चांगर है, कितना अच्छा लग रहा है। नमस्ते, ये है मेरी भाभी ब्लैंक है नानी, नया नानी, नानी नया मेहमान, नया मेहमान आज्यो मन हम अपनी बगो जो ना लगता है सुन ना दिशा। ये है बड़ा भैया, ये है भैया, भैया का बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा, ये तो उसकी रानी अद्वैता है। के है लेको यो कसको दादा को। तो दिन का खाना खाने के बाद मस्त हो गए थे। ये है मेरे चाचा का घर, वो है रूही है और दृष्टि निकल रहे हैं।
अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमने मतलब क्या, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तीन बस साढ़े तीन हो ही गए, 3:30 हो गए, 3:30 बोले 3:30 हो गए, तो जितना हो सकेगा ऐसे एक पाक मार के आएंगे। और जादू का मामा आया है, मामा का मर्सिडीज लेके आया है। बच्चा लेके आप मायका जरूर आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सब आपको हेल्प करने वाले ही मिलेंगे, मतलब ना। वैसे ससुराल भी जा सकते हैं, क्योंकि ससुराल में ऐसे अकेले टूर तो कम ही होता है। तो उधर मामा के साथ है, इधर फोटोशूट चल रही है। यहाँ पे टिकट काउंटर है, लोकल टिकट काउंटर इज लाइक दैट। पैसा ये नया बिल्डिंग बना है ना बाबू, क्या है ये? हाँ, तो कभी भी इस पार्क में आए तो ऐसे स्नीकर पहन के आना, या तो हवाई चप्पल पहन के आना, डोंट वेयर हील्स, बिकॉज रास्ता तो बहुत ही ऐसा अप एंड डाउन है, चलना पड़ेगा, है ना। जब पहले तो हम छोटा था तो ये बहुत बड़ा हाथी लगता था, अभी शायद हम बड़ा हो गया, हाथी तो छोटा नहीं हुआ। हाँ, पोकर से, और हम तो यहाँ से स्लिप नहीं हो पाएगा शायद, देखो इतना छोटा है ना भाई। तो फिर मैं दिखाती हूँ, ये है हाथी, ये हाथी का थाई, मतलब ये पोकर तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन तब हम लोग पोकर बोलते थे, पोकर साइड में यहाँ पे कोई गु हागुनी के आंसर हो गया। सो दिस इज लाइक दिस, हटो ना, हटो हटो ना, हटो ना, जाओ तो तुम जा सकते, हम भी जा सके होगा, पोकर थोड़ा तो पड़ा होगा, जा तो पार्क के साइड से व्यू कुछ इस तरीके से है। वो देखो, आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पे बॉनफायर चल रहा है, एंड शायद वो लोग ड्रिंक कर रहे हैं, एंड कुछ मीट जला के खा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो नेचुरल हवा में शाम के टाइम पे, ये तो यहीं पे मिलता है, अलग जगह पे नहीं मिलेगा। हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं छत में, लेकिन ये मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हम लोग वो वाला ब्रिज जो आप लोग देख रहे हो ना, उस तरफ से आए थे, एंड यहाँ पे पार्क है। पार्क कुछ इस तरीके से है, एक साइड में पार्क है एंड अनदर साइड में आपको व्यू दिख जाएगा। तो बहुत अच्छा है, फ्रेश है, मतलब कैमरा में जितना कैप्चर होता है उससे ज़्यादा अच्छा आपको लाइव देख के लगता है। तो वही है, बस ये ब्यूटी तो यहीं पे मिलेगा, इसलिए खींच लेते हैं। 3-4 साल नहीं आने के बाद ऐसा होता है कि मन होता है कि एक बार विजिट करके आए अपना जो जहाँ पे बचपन बीतता है वहाँ पे। तो कैसा लग रहा है आपको बचपन का याद? ऐसा नहीं था कि हम लोग का बचपन में काट वाला होता था ना, डिगी में वो देवर माथी और आधा डाल लेना। बाप रे, इतना मेहनत, एक बार मत, हाँ दो यहाँ पकड़े, यहाँ पकड़े, आई जा।
आइए आइए, छोड़ दे छोड़ दे। वाह वाह वाह, चलो चलो चलो। कोई जन्म का दहाड़ लिया था इसका, जहाँ भी पता नहीं। तो शाम हो गई है, वीडियो क्वालिटी ऐसे ही है। यहाँ मेरी दो बहनें हैं, मेरी छोटी चाची की बड़ी बेटी, छोटी चाची की छोटी बेटी, बड़ी फूफू का छोटा बेटा। बहुत लंबा फैमिली, अगर जान पहचान कराते कराते कंफ्यूज, फिलहाल इतने ही है। बाय बाय हाथी। तो अभी हम आए हैं कुछ खाने के लिए, यहाँ का लोकल रेस्टोरेंट्स लाइक क्या बा। फर्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग फ्लॉप हो गए, मोमो खत्म हो गया, संडे है इसलिए जल्दी खत्म हो गया बोलते। लेकिन कितना अजीब ना, 6 भी नहीं बजे, झूठ भी बोला होगा। हम जैसे बोल के देखा था क्या बोलेगा होंगे। तो अभी पता नहीं, अभी थुप्पा का प्लान हो गया, मोमो कैंसिल, मोमो से हम नाराज हो गए। अब देखते हैं थुप्पा मिलेगा कि नहीं। मिलने से मेरा कांची काकी जिंदाबाद जाएगा, काकी को बोलेगा काकी मोमो खिलाओ, अब कांची काकी को दुकान से उठा के लेके जाके मोमो बना देगा। अभी इवनिंग के टाइम पे कुछ ऐसा है, जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपको शायद, वो लाइट का फ्लैश ही आ रहा है बस। इसका गाड़ी का शीशा इतना साफ है। तो बोल ही दिया हो ना। सो दिस इज द थुप्पा। वाह वाह, नीतीश 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 है तू। थैंक यू। अभी रख दे। हां थैंक यू। आता था कटा कटा। हम जब घूम के आए ना, तो मेरी छोटी चाची ऑरेंज फ्रूट्स एंड कुछ कुछ खाने का सामान लेके आई थी। वैसे हमारा पेट भरती था, तो अभी यहाँ पे लास्ट उन्होंने दृष्टि को बोला है कि थोड़ा हेल्प कर देने के लिए, क्योंकि दृष्टि बहुत जल्दी जल्दी पैक कर लेते उन्होंने बोला है। तो अभी यहाँ पे मोमो बन रहा है, तो हम खाएंगे गर्मा गर्म मोमो, फिर आज का डिनर यही है। इसके बाद और कुछ जाएगा भी नहीं, पता नहीं मैं कितना खाऊंगी। तो बस अभी ये रेडी है, सेफ साइज सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग हाथ लगा है, तो सेफ साइज पर अलग अलग है। रेडी, ये है सू, इधर है मोमो अगेन। ये सूप को मैं यहाँ पे डाल के खाऊंगी, मतलब सूपी नूडल सूपी वो करके खाऊंगी। मजा आई है ना, इतनी तो खा सकती ना वाले। खाने मीट माय सबसे छोटे वाले चाचा। पहले भी आपने देखा होगा, लेकिन मैंने बोला नहीं था कि ये कौन से वाले चाचा है। ये मेरे जो 6 भाई हैं उनसे सबसे छोटे वाले चाचा है। तो अभी मैं निकल रही हूँ रोइंग से, एक दिन का ही टाइम था मेरे पास, ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर लिया है, वहाँ पे वीडियो नहीं हुआ क्योंकि पैकिंग वैकिंग था, जल्दी जल्दी निकलना था। ये मेरा चाचा का दुकान है, ऐसा ग्रोसरी शॉप है उनका, यहाँ पे है। तो यहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं चाची, मुझे दुकान पे रख के थोड़ा निकल के गई है। भाई आ रहे हैं मेरा सामान लेके, अभी 11 बजे का बस है, तो मैं बस से निकल जाऊँगी। भाई अभी नहीं जाएगा, इसको देखो क्यों बड़े को चोर चोर चोर। ए उठा उठा दो तो उठा। गुड बॉय, हल्दी।